नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना, और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। भोपाल के गिरोह के दो शातिर चोर गिरफ्तार। चरगवा थाना क्षेत्र स्थित ज्वेलरी शॉप में दिया था लूट की वारदात को अंजाम। गहने और जब्त, 5 फरार आरोपियों की तलाश जारी। और एटीएम कैश वैन लूट और हत्याकांड के संदेहियों की फोटो जारी। पुलिस ने जनता से भी की सहयोग करने की अपील। आरोपियों की जानकारी देने वालों का नाम गोपनीय रखे जाने की बात कही। नगर निगम द्वारा लीज की गई भूमियों को फ्री होल्ड करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। अब तक 8 आवेदन जमा हो चुके हैं। नियमानुसार आवासीय प्लॉट पर कलेक्टेड रेट गाइडलाइन के अनुसार 1% राशि और 10 वर्ष का भूभाड़ा जमा करने पर जमीन फ्री होल्ड हो जाएगी। नगर निगम की संपदा शाखा द्वारा करीब 5,000 लीज वाली संपत्तियों को फ्री होल्ड किया जाना तय है। इसके लिए प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। अब तक 8 से 10 आवेदन नगर निगम में जमा भी हो चुके हैं। अभी तक हमने जिनकी लीज नवीनीकरण नहीं हुई थी, ऐसे 200 लोगों को चिन्हित किया है। जिनकी लीज पुराने समय से चली आ रही है परंतु उनने नवीनीकरण नहीं करवाया, तो उनको नोटिस भी दे रहे हैं। उसमें से लोग आवेदन भी करना प्रारंभ कर दिए हैं। और लीज फ्री होल्ड का आवेदन जो है उसका निर्धारित फार्मेट है, उस फार्मेट में लोग आवेदन दे रहे हैं। अभी तक 8 से 10 आवेदन आ गए हैं और प्रोसेस चल रही है। बहरहाल लीज फ्री होल्ड होने से लोगों को राहत मिलेगी। उन्हें बार बार लीज नवीनीकरण कराने की समस्या एवं भूभाड़ा जमा करने से छुटकारा मिल जाएगा। जिन हॉस्पिटल्स के वाहन स्टैंड सड़क और फुटपाथ पर संचालित हो रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए, ये मांग जनता दल यूनाइटेड के सदस्यों ने नगर निगम प्रशासन से की है। जनता दल के सदस्यों का कहना है कि रसूखदारों को सड़क पर कब्जे की छूट क्यों दी जा रही है। जनता दल यूनाइटेड के सदस्यों ने नगर को एक मांग पत्र सौंप कर मांग की है कि जिन हॉस्पिटल्स के वाहन स्टैंड सड़क पर संचालित हो रहे हैं और यातायात में बाधा पैदा कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही का कोड़ा सिर्फ गरीबों पर ही न फटकारा जाए बल्कि निष्पक्ष होकर कार्यवाही की जाए। सरकारी संपत्ति का अवैध कब्जा करके अवैध वाहन स्टैंड, अवैध पार्किंग स्टैंड एवं अवैध जमीन पर ओपीडी लगा करके ये लोग जो है सरकारी जमीन का कब्जा किए हुए हैं। हमारी ये मांग है कि इस पर कार्रवाई की जाए और अवैध कब्जा हटाया जाए। जनता दल के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि कार्यवाही नहीं की गई तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो जबलपुर की टीम ने नरसिंहपुर में पदस्थ बीआरसी हरिओम पाठक को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ईओडब्ल्यू की टीम ने ये कार्यवाही नरसिंहपुर में की। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो यानी ईओडब्ल्यू की टीम ने नरसिंहपुर में ट्रैप कार्यवाही को अंजाम देते हुए शिक्षा विभाग में पदस्थ बीआरसी हरिओम पाठक को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। कंदेली में संचालित अटल अंजुमन स्कूल के संचालक मोहम्मद हुसैन पठान से स्कूल की नवीन मान्यता के सिफारिश के लिए 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी और 3 दिन पहले स्कूल निरीक्षण के दौरान 10,000 रुपए बतौर रिश्वत भी लिए थे। आवेदक मोहम्मद हुसैन पठान ने एसपीईओडब्ल्यू जबलपुर देवेंद्र राजपूत से मामले की शिकायत की थी, जिसके बाद विधिवत कार्यवाही की गई और देर शाम स्कूल में ही रिश्वत लेने पहुंचे बीआरसी हरिओम पाठक को टीम ने रिश्वत लेते पकड़ा और उसकी कोटी की जेब से रिश्वत की रकम जब्त की। इस संबंध की रिकॉर्डिंग वार्तालाप डिमांड की रिकॉर्डिंग के लिए हमने उनको एक टेप दिया था, जो उन्होंने कल यहाँ आकर बीआरसी हरिओम पाठक से जब वार्तालाप किया तो उसमें उन्होंने 15,000 रुपये की डिमांड की। ये रिकॉर्डिंग आने पर प्रथम दृष्टया जो है डिमांड का मामला पाए जाने से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7A के तहत ये प्रकरण दर्ज किया गया हमारे द्वारा। और आज शाम को अभी यहाँ स्कूल में ही जब वो रिश्वत के पैसे लेने आए थे तो उन्हें 15,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। ईओडब्ल्यू की इस कार्यवाही से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। ईओडब्ल्यू ने मामले में विधिवत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में सिख समाज की एक बालिका के साथ दुष्कर्म कर उसकी निर्मम हत्या करने वाले दोषियों की गिरफ्तारी और उन्हें फांसी की सजा देने की मांग सिख समाज ने देश के प्रधानमंत्री से की है। तेलंगाना सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में सिख समाज की एक बालिका के साथ दरिंदगी कर उसकी निर्मम हत्या करने वाले आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग सिख युवा संगठन ने की है।
घटना के विरोध में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर युवा सिख संगठन ने कलेक्टर के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। सिख समाज के युवाओं ने घटना की तीव्र निंदा की और आक्रोश भी व्यक्त किया। शहर हैदराबाद में एक सिख समाज की बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ। कुछ दरिंदों ने उसे उठाकर उसके साथ बलात्कार किया तथा जानकारी के अनुसार उसके चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया, जिससे बच्ची की तुरंत मृत्यु हो गई। परंतु आज 4-5 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक अपराधियों को पुलिस प्रशासन ने वहां पर नहीं पकड़ा है। और आज हम युवा सिख संगठन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने आए हैं, जबलपुर जिला कलेक्टर के माध्यम से। और हमारी मांग है कि तेलंगाना सरकार जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करे, ऐसे दरिंदों को पकड़कर फांसी पर लटका जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जिलाध्यक्ष जबलपुर द्वारा ज्ञापन देने आए हैं। हम उनसे मांग करते हैं कि भविष्य में किसी भी प्रकार से किसी भी समाज की बच्ची हो, कोई भी बच्ची हो, उस बच्ची के साथ इस तरह की निर्दयता ना हो, इसके लिए हम पुरजोर मांग करते हैं। घटना घटित हुई है उसके संबंध में अपना रोष प्रकट कर रहे हैं और शासन तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि जो भी ये घटना घटित हुई है, जो भी इसमें नाबालिग बच्ची के साथ जो हुआ है, उसके संबंध में जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाए। सिख समाज के युवाओं ने तेलंगाना सरकार से मांग की है कि राज्य में बेटियों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाएं और दोषियों को सख्त सजा दी जाए, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। गौवंश की तस्करी के खिलाफ आक्रोश जताते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राइट टाउन गौमाता चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम का पुतला दहन करते हुए आरोप लगाया कि गौवंश की रक्षा में प्रदेश सरकार नाकाम साबित हो रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राइट टाउन गौमाता चौक पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन करते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश में गौवंश की तस्करी बढ़ रही है, सरकार सिर्फ गौ सेवा का ढोंग कर रही है, लेकिन हकीकत ये है कि सरकार गौवंश की रक्षा में नाकाम साबित हो रही है। जो गौ माता की रक्षा न कर पाए वो सरकार निकम्मी है। अब वो सरकार को जो माता की पूजा अर्चना करके कांग्रेस पार्टी आगे आ गई है। मध्य प्रदेश में भाजपा की शिवराज जी की सरकार में इस तरीके की गौ हत्याएं अत्यंत निंदनीय है। यही कमलनाथ जी की सरकार थी जब हजार से ऊपर गौशालाएं बनाई गई थी, लाखों गौवंशों को संरक्षण दिया गया था, उनका चारा दिया जाता था, उनको पानी दिया जाता था, उनको जीवित रखा जाता था। और वही आज शिवराज जी की सरकार में गौवंश की हत्या हो रही है, गौवंश मृत हो रहे हैं। लेकिन हम देखते आ रहे हैं कई वर्षों की सरकार ने गौ संरक्षण के लिए कोई भी काम नहीं किया। आए दिन हम देखते हैं, अभी पिछले दिनों देखने में आया, देखिए भोपाल में कितनी सारी गौ मर गई, या तो उनके पास पूरा खाने पीने का संरक्षण, मतलब उनका संरक्षण हुआ ही नहीं, कई तरह की बीमारियां फैल रही, उसकी देखभाल नहीं हुई। विरोध प्रदर्शन के चलते गौमाता चौक पर देर तक मजमा लगा रहा। मदन महल रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य के चलते जबलपुर रेल मंडल द्वारा पूर्व में जिन 8 यात्री गाड़ियों का ठहराव मदन महल स्टेशन पर स्थगित किया गया था, उसकी अवधि अब बढ़ाकर 28 फरवरी तक कर दी गई है। इस स्थिति में यात्री मदन महल स्टेशन की बजाय मुख्य रेलवे स्टेशन से इन यात्री गाड़ियों में बैठ सकेंगे। इस संबंध में रेलवे द्वारा यात्रियों को SMS और उद्घोषणा से जानकारी प्रदान की जा रही है। यात्री गाड़ियों का मदन महल स्टेशन पर ठहराव स्थगित किया गया है। उनमें ट्रेन नंबर 13201 जनता एक्सप्रेस, 12853 अमरकंटक एक्सप्रेस, 12494 जबलपुर यशवंतपुर साप्ताहिक ट्रेन, 12192 श्रीधाम एक्सप्रेस, 22192 जबलपुर इंदौर ओवरनाइट, 12160 जबलपुर नागपुर ट्रेन, 18234 नर्मदा एक्सप्रेस, 15108 काशी एक्सप्रेस ट्रेन शामिल हैं। रांची क्षेत्र में रहने वाली एक 19 वर्षीय हिंदू युवती का अपहरण करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने रांची थाने में प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि शादीशुदा युवक के द्वारा नाम बदलकर एक हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाया गया और उसके बाद युवती का अपहरण कर फरार हो गया। विहिप कार्यकर्ताओं ने आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी करने और कड़ी कार्यवाही करने की मांग पुलिस से की है।
गढ़ा पुलिस ने एक शातिर बदमाश को कट्टे और चाइनीज चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। पुलिस की माने तो पकड़ा गया बदमाश आदतन अपराधी है और उसके विरुद्ध गढ़ा सहित अन्य थानों में आपराधिक मामले भी दर्ज है। गढ़ा पुलिस ने मेडिकल और धनवंतरी नगर के बीच एक शातिर बदमाश अनुज खटीक को गिरफ्तार किया है। अनुज के कब्जे से पुलिस ने देशी कट्टा और चाइनीज चाकू भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक गश्त के दौरान अनुज को पुलिस टीम ने घेराबंदी कर पकड़ा था और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से पुलिस को हथियार बरामद हुए। उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। ये पुलिस को देख के एक व्यक्ति भागने लगा, तो जब देखे दौड़ के उसको पकड़ा गया तो उसके कब्जे से उसके एक देसी कट्टा, एक राउंड और एक बटनदार चाकू जो है चाइनीज चाकू मिला है। पूर्व में भी थाने के अपराध में है और साथ में उसके पूर्व में और दूसरे थाना क्षेत्रों में भी अपराध है, इसलिए उसको 25-27 आम सेट में गिरफ्तार किया गया और उसको आज न्यायालय कोर्ट में पेशी हेतु भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी आदतन अपराधी है, उसके विरुद्ध पूर्व से भी गढ़ा और अन्य थानों में आपराधिक प्रकरण दर्ज है। आरोपी किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। रांची थाना क्षेत्र बीकल मढ़ई के रहने वाले 3 बिल्डरों को जान से मारने की धमकी देकर 15 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले कुख्यात बदमाश आकाश कावरकर और उसके 2 साथियों को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आकाश की गिरफ्तारी नागपुर कामटी से की गई और उसके बाद उसके 2 साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। रांची थाना क्षेत्र व्हीकल मढ़ई में रहने वाले 3 बिल्डरों सज्जन सिंह रघुवंशी, श्याम बिहारी सोनी और देवा रघुवंशी को जान से मारने की धमकी देकर 15 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले मुख्य आरोपी आकाश गावरकर और उसके 2 साथियों वसीम डागर और गणेश ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस आकाश को नागपुर काकरी से गिरफ्तार करके जबलपुर लाई है और उसे न्यायालय में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर लिया है। पूछताछ के दौरान आकाश ने बताया कि रांची मढ़ई और अन्य क्षेत्रों में अवैध वसूली की कई वारदातों को अंजाम दिया है, साथ ही इसके द्वारा बिल्डरों को मारने की सुपारी भी दी गई थी। इसकी निशानदेही पर पुलिस ने वसीम डागर और गणेश ठाकुर को गिरफ्तार किया। इन 3 आरोपियों से पुलिस ने 2 देशी पिस्टल, 3 कारतूस, 1 बटनदार चाकू, 3 मोबाइल और 4 मोबाइल सिम भी बरामद की है। मामले में इसके 3 साथी सुल्तान खान, शनी, आदिल और सलमान खान फरार हैं, जिनकी तलाश भी पुलिस कर रही है। उक्त आरोपियों की धरपकड़ में जो है बड़ी तेजी से अपनी सूझबूझ के साथ करते हुए उन 3 को पकड़ने में सफलता हासिल की है। उक्त प्रकरण में गिरफ्तार शुदा आरोपियों में से आरोपी आकाश ग्रावरकर, जो जिसके विरुद्ध थाना बेलबाग में करीब 10-12 अपराध पंजीबद्ध हैं, यह तिरहरी में भी निवास करता था। 2 अन्य आरोपी वसीम व गणेश, ये चारखंभा गोहलपुर व ग्राम पंचायत के पास मढ़ई रांची निवास रहते हैं। पुलिस के मुताबिक आकाश शातिर अपराधी है, इसके विरुद्ध थाना रांची में पूर्व में भी एक अपराध पंजीबद्ध था। इस मामले में भी ये फरार था और इस पर 2500 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज़।